महाराष्ट्र में सरकार को लेकर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, ममाथापच्ची, तीनों ही पार्टियों ने तैयार किया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्ट। पार्टियों के अध्यक्षों को भेजा जाएगा सीएमपी का ड्राफ्ट, आखिरी मुहर के बाद तय होगी आगे की रणनीति। शिवसेना के सामने कांग्रेस ने रखी कट्टर हिंदुत्व की छवि बदलने की शर्त, सूत्रों के मुताबिक सीएमपी में किसानों, बेरोजगारों के मुद्दे पर भी दिया गया है जोर। 17-18 नवंबर को सोनिया गांधी से मिलेंगे शरद पवार, शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर होगी आगे की बात। अमित शाह के बयान पर शिवसेना का पलटवार, संजय राउत ने कहा बालासाहेब ठाकरे की कसम, बीजेपी ने किया था सीएम पद का वादा। संजय राउत ने अमित शाह को चुनौती दी, कहा उद्धव के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत को करें सार्वजनिक। सामना में आरोप, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन पूर्व नियोजित, फडणवीस अब बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ममता बनर्जी का राज्यपाल कोश्यारी पर हमला, कहा संवैधानिक पद पर बैठकर कुछ लोग बीजेपी के माउथपीस की तरह काम कर रहे हैं। मुंबई और सूरत में बीएमसी के कई ठेकेदारों पर इनकम टैक्स की रेड, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मिले सबूत। अमरावती में बारिश की वजह से फसल नष्ट होने से परेशान किसान ने की आत्महत्या, मुआवजा नहीं मिलने से परेशान था किसान। फसल बर्बादी के मुद्दे पर मुंबई में सड़कों पर उतरे किसान, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लोन माफी और फसल बीमा की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे किसान, बेमौसम बरसात से महाराष्ट्र में 70 लाख हेक्टेयर खरीफ की फसल हो चुकी है बर्बाद। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम को छोड़ नागपुर पहुंचे शरद पवार, खेतों में जाकर किसानों के नुकसान का जायजा लिया। आज इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स का जन्मदिन, मुंबई में बच्चों के साथ मनाया हैप्पी बर्थडे। राजकोट में ट्रैफिक पुलिस के भारी भरकम जुर्माने के खिलाफ अनोखा विरोध, हाथ में तिरंगा और कमर में हेलमेट बांधकर निकाली गई यात्रा। डायमंड एक्सपोर्ट में गिरावट के से सूरत के कारोबारियों की बढ़ी है चिंता, सरकार से लगाई मदद की गुहार। 170 अंकों की बढ़त के साथ 40,286 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 31 पॉइंट्स बढ़कर 11,872 पर बंद। 3 साल में सबसे कम हुई थोक महंगाई दर, अक्टूबर में महंगाई दर घटकर 0.16% पर हुई। मूडीज ने इस साल फिर घटाया भारत का जीडीपी अनुमान, 5.8% से घटाकर किया 5.6%। ठीक हो रही लता मंगेशकर की तबीयत, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से ब्रीच कैंडी में कराई गई थी भर्ती। शादी के पहले सालगिरह मनाने रणवीर के साथ तिरुपति पहुंची दीपिका पादुकोण, पहनी सास ससुर की शादी में दी हुई साड़ी। कंगना ने फिल्म थलाइवी के लिए तमिल सीखना शुरू किया, थलाइवी में जयललिता का रोल निभा रही हैं कंगना रनौत। डेट नहीं होने की वजह से फिल्म भुज में काम नहीं करेंगी परिणीति चोपड़ा, साइना नेहवाल के बायोपिक में आजकल बिजी हैं। भूल भुलैया 2 में नजर आएंगी तब्बू, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी कर चुके हैं फिल्म की शूटिंग। सलमान खान ने शेयर किया फिल्म दबंग 3 का नया गाना, 20 दिसंबर को फिल्म हो रही है रिलीज। हम झूठ नहीं बोलेंगे, बालासाहेब ठाकरे कसम खा खा कर। आगे देखिए, जब ये हम लोग साथ में आए तो उसी को सजा, हमने कहा था कि हमारा कदम महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता को न्याय देने के लिए, केवल सत्ता हमारे लिए नहीं, अब किसान से लेकर तो बेरोजगार होकर सबको
इस सरकार की आवश्यकता है, उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। टीम उसका मसौदा बना दिया जाता है, वो बना दिया हमने दो दिन के अंदर। अभी उसको हमारे हाई कमांड जो है उनको भेजा जाएगा, उनको उनकी कंसेंट मिलने के बाद ही वो मसौदा पूरी तरह उसको हाँ वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 48 घंटे में कई बैठकें करके तीनों दलों ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब तीनों ही दलों के अध्यक्ष इसे फाइनल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक साथ आने के लिए शिवसेना के सामने कांग्रेस ने कट्टर हिंदुत्व की छवि को बदलने की शर्त रखी है। पिछले महीने तक शिवसेना कांग्रेस एनसीपी को और कांग्रेस एनसीपी शिवसेना को पानी पी पी कर कोसा करते थे, पर अब साथ आने के लिए राहें तलाश रहे हैं। पहली बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने एक मंच पर साथ आकर मीडिया से बात की। तीनों पार्टियों ने साझा बैठक में गुरुवार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने शिवसेना के सामने ये शर्त रखी है कि उसको अपनी हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि को छोड़ना होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वर चर्चा झालेली आहे। ही चर्चा हा ड्राफ्ट जो आहे पक्षश्रेष्ठी तिन्ही पक्षाचे पक्षश्रेष्ठी यांच्याकडे पाठवला जाईल। पक्षश्रेष्ठी त्यावर अंतिम निर्णय घेतील आणि त्यानंतर पुढची कार्यवाही सुरू। मैं पहले कुछ शंकाएं थी कि अलग अलग पार्टी विचारधाराओं के लोग हम साथ में बैठे हैं तो कुछ उसमें गड़बड़ हुई, लेकिन एक ही बात स्पष्ट रूप से कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनेगी वो सरकार पूरी तरह सब लोगों को, सर्वधर्म के लोगों को, सबको मदद करने वाली सरकार होनी चाहिए। ये तो मुख्य बात थी और ये सभी ने एक साथ बोले, उसे आज तक की शिवसेना में भी कहा कि सबके लिए ये सरकार बननी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार बननी चाहिए। इस ड्राफ्ट में किसानों की लोन माफी, फसल बीमा, बेरोजगारी, छत्रपति शिवाजी महाराज और बीआर अंबेडकर मेमोरियल जैसे मुद्दों को जगह दी गई है। अब ड्राफ्ट को तीनों पार्टियां अपने अपने अध्यक्ष को भेजेंगी जहां आखिरी मुहर लगाई जाएगी। महिला, बेरोजगार, गरीब, सर्व अल्पसंख्याक, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सगळ्यांसाठी जे आहे तो कार्यक्रम बनवलेला आहे। आम्हाला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये आणखी काय थोडीफार सुधारणा असतील तर आमचे दृष्टी घ्या, आम्हाला ते सांगतील आणि त्यानुसार त्याच्यामध्ये काही थोडाफार बदल होऊ शकेल। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि ड्राफ्ट पर सोनिया गांधी के साथ शरद पवार तब चर्चा करेंगे। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। इसी बीच हम आपको बता दें कि शिवसेना और बीजेपी में भी जुबानी जंग जारी है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद आज बारी शिवसेना के संजय राउत की थी। सीएम पद के 50-50 बंटवारे की चर्चा में संजय राउत ने आज बालासाहेब ठाकरे को लाते हुए कहा कि उन्हीं के कमरे में ये सारी बातें हुई थी। इसके लिए संजय राउत ने बालासाहेब ठाकरे की कसम भी खाई। हम झूठ नहीं बोलेंगे, बालासाहेब ठाकरे की कसम खाते अगर आप उस मंदिर में जो बात तय हुई और बाहर निकलने की बात आपको जो बुरी लगती है तो आप बताइए कमरे में क्या बात हुई। जिस विवाद ने महाराष्ट्र की सियासत को पिछले 21 दिनों से हिला रखा है, आज उस विवाद में नौबत बाला साहब की कसम खाने तक किया गया। शिवसेना की ओर से संजय राउत ने बयान दिया कि बीजेपी ने चुनाव से पहले शिवसेना के ढाई ढाई साल के सीएम की बात कही थी जिसे अमित शाह पहले ही नकार चुके हैं। हम तो तैयार थे शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए, मगर शिवसेना की कुछ चीजें ऐसी थी जो हम मान नहीं सकते हैं। पहले से था सार्वजनिक प्रचार में मैंने कम से कम 100 बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा और स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने कई बार कहा कि अगर हमारी यूटी की सरकार आती है, बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। अब कुछ नई शर्तें आती हैं तो हमारे लिए इस पर हमारा रिजर्वेशन भी है, पार्टी उचित समय पर इस पर विचार करेगी। सारे सभाओं में नरेंद्र मोदी जी को ये बात कहते थे कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन सारे सभाओं में उद्धव ठाकरे जी भी ये कहते थे
कि शिवसेना का भी मुख्यमंत्री बनेगा। जब अलायंस हुआ था तभी उद्धव जी कहते थे कि पावर शेयरिंग, सत्ता और पदों का वाटर 50-50 होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन सच बोल रहा है। संजय राउत ने अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत का हवाला दिया, जिसमें ढाई ढाई साल के सीएम की बात हुई थी, लेकिन अमित शाह ने ऐसी किसी भी डील से इनकार कर दिया। देखिए, मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है कि एक कमरे में हुई हुई बातों को हम सार्वजनिक करें, और करना भी नहीं चाहिए। सार्वजनिक जीवन की एक गरिमा होती है, परंतु मैं इतना निश्चित मानता हूं कि राज्यपाल शासन डालने से अगर किसी का नुकसान गया है तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। चुनाव के बाद देख लेंगे। अगर प्रधानमंत्री एक बात बोलते हैं, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री के नाते बोलते हैं, लेकिन जो बातें अमित शाह जी और उद्धव जी में तय हुई थी, बंद कमरे की बात अगर वो कहते हैं बंद कमरे की, तो बंद कमरे में क्या हुआ उस बारे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, खास करके हमारे प्रिय अमित भाई ने, प्रधानमंत्री मोदी जी को अवगत नहीं किया है। ढाई ढाई साल के सीएम की गणित ऐसी फंसी कि कई साल पुराना गठबंधन टूट गया, दोस्त दुश्मन हो गए। वहीं आज शिवसेना अपने विरोधियों से हाथ मिलाने को तैयार है, लेकिन इन सबके बीच फंसी है महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी, जिसे लेकर सियासी दावपेच का खेल जारी है। आज तक ब्यूरो।